अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं शमी मुख्तर जी एम इंफॉर्मेशन चैनल जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से। दोस्तों उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक अहम इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ लेकर के आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। तो फाइनली सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से। तो देखते हैं क्या लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कई रोज़ से क्यूरी आ रहा है कि CUT का रिज़ल्ट कब तक आएगा और जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल में जिन स्टूडेंट्स ने 6th क्लास 9th क्लास 11th क्लास के एंट्रेंस टेस्ट दे चुके थे उनका वेटिंग लिस्ट सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी वन बाय वन आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म के सिलसिले में लास्ट डेट क्या है। PG कोर्सेस कौन कौन कोर्सेस के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज किया है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए सबसे पहले चलते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का JMICOE.in, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों ये इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ गया। इसमें हम क्लिक करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। इसमें देखते हैं लास्ट डेट क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। तो दोस्तों ये जो अप डाउन हो रहा है इसमें क्लिक करेंगे सबसे पहला वाला। इसमें देखते हैं नोटिफिकेशन में, नोटिस फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन फॉर PG कोर्सेस मोड सेमेस्टर सेकेंड और फोर्थ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉलोइंग PG कोर्सेस सेशन 2021-22 का है दोस्तों। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट JMICOE.in में जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 27/6/2023 से शुरू हो चुका है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का और लास्ट डेट है दोस्तों 15 जुलाई 15/7/2023 तक। और कौन कौन सा कोर्स है वो इसमें दे दिया गया है दोस्तों। MA पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर सेकेंड और फोर्थ, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेमेस्टर सेकेंड और फोर्थ, MBA, MA हिंदी, MA एजुकेशन, MA इंग्लिश, MCOM, MA हिस्ट्री, MA HRM, MA सोशोलॉजी। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन का फॉर्म फिल नहीं किया है वो डेट से पहले पहले 15 जुलाई से पहले पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दें। इसी तरह अगर हम बात करते हैं CUET का जिसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं दिया है दोस्तों, तो उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में CUET का फॉर्म रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। और दूसरे तीसरे नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल में चाहे वो 6th क्लास के स्टूडेंट हो या 9th क्लास का या फिर 11th क्लास का, तो उनका सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की पूरी उम्मीद है, आप लोग इंतज़ार करें वेट करें। इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट वीक में जितने भी क्वेरी हैं उन तमाम चीज़ों का मसला हल हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा। और नोटिस आते ही दोस्तों आप लोगों के सामने हम वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो दोस्तों जो स्टूडेंट सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो 15 जुलाई से पहले पहले एग्जामिनेशन फॉर्म सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन का फॉर्म फिल कर लें। तब तक इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।